I really enjoyed the film. I think this is a very, very important film to be made. I was just saying that all of us in the cities over here keep talking about all these issues and keep saying that these are the things that go on in our country and have these big conversations about it. But I actually so far detached from all of it. That sometimes you need someone to go through the trouble or say the trouble or whatever. It's a passion to go and actually make something like this to make you aware of what the ground realities are and the problems that we face and how it actually is. So I think it's a very informative film. It's very hard-hitting in many ways. It moves you and it's an important film for people to watch. So I think it's amazing that it's been made and more films like this should be made. Same thing will happen ki all logo abhi ye pata chal jayega about this issue. People will understand ki it'll be more information for everyone. So I think it's a good thing and it'll be entertaining. जी मुझे ये फिल्म बहुत ही बेहतर लगी. बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है. जबकि हम लोग सोचते हैं कि डॉक्यूमेंट्रीज बहुत रूखे सूखे बहुत बोरिंग से होते हैं. इस ये फिल्म में पहले तो एक कह सकते हैं हीरो या हेरोइंस जो रहते हैं वो है इस फिल्म में संपत पाल के किरदार में. और वो तो किरदार नहीं है, वो है ही इतनी इंटरेस्टिंग और बहुत ही ताकतवर स्ट्रांग औरत जिन्होंने अपने जो माहौल था उनके हालात थे उन्होंने अकेले बदले और इतनी सारी हजारों औरतों के हालात बदले. एक ये संगठन बनाई और इस संगठन से कितनी औरतों को साहस मिला है, स्ट्रेंथ मिला है, यू नो हौसला मिला है अपने अपने जीवन में. ये फिल्म मैंने देखी, ये फिल्म से मैं इंस्पायर हुई हूँ. इसीलिए मैं इस फिल्म के पीछे मैं अपना आवाज यू नो देना चाहती हूँ, अपनी सपोर्ट देना चाहती हूँ इस फिल्म के लिए. Wonderful, wonderful piece of filmmaking as a documentary, and it's had a great impact on me actually. And I'll need some time to get over it, but I feel everybody in this country needs to watch this film. And we don't know how people and women especially are living, thinking, and doing in such small parts of India. It's a must see for every citizen of this country. The film is fantastic. It's a wonderful film. It's a strong film. It's a very important film. I think the whole world should see it. It's a world that none of us know about, and it's a world that we should know about. जी बहुत ही अच्छी फिल्म है और बहुत अच्छी फिल्म है और बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है और बहुत ही ब्रेव फिल्म है और बहुत ही एक गुलाबी गैंग और संपत पाल ये हमारे देश में जो ये एक ऐसा मूवमेंट है जो हमें चाहिए. और जितने ज़्यादा लोगों को अक्सर शहरों में ये बातें पता चलती नहीं ये लेकिन हमारे देश का एक बहुत बड़ा सच है. और जितना ये लोगों तक पहुँचेगा उतना मेरे विचार में लोग इससे कम से कम आप इसको देख के आप इससे छुए बिना नहीं रह सकते. तो आई फील इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म एंड आई रियली लाइक द फिल्म. आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म. बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत पावरफुल फिल्म है. मुझे लगता है कि हमारे देश में बहुत अलग किस्म की सच्चाइयाँ होती हैं बॉलीवुड से बढ़कर, बॉलीवुड से बाहर. और बहुत ज़रूरी है ऐसी फिल्में बने, ऐसी फिल्में देखी जाएँ, और ज़रूरी है. एंड कंग्रेचुलेशन टू निष्ठा एंड द होल टीम कि उन्होंने इतनी ज़रूरी फिल्म बनाई है. और आई होप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें. बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है. और मुझे खुशी है कि मैं यहाँ आया और इसको देखने का मौका मिला. किरण जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया. बिकॉज क्या है कि इतनी भीड़ हो गई है ना एंटरटेनमेंट की, उसमें अच्छी चीज़ें तलाशना और उनको सामने लाना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि देखिए हम लोग जो रहते हैं शहरी माहौल में और ख़ासकर एक ग्रासरूट से कट के हम रहते हैं, हम क्या आप लोग भी मतलब हम लोग जड़ों के बारे में बातचीत बहुत करते हैं लेकिन जड़ों में क्या हो रहा है शायद हम बहुत ही रेयरली जानते हैं देखते हैं. और उस चीज़ को सामने लाना और हमें जड़ों से जोड़ने की कोशिश. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.